तो क्या आप लोग इसको कुछ इतना ज्यादा स्लो ओपन होता है, आप लोग कवर जाते ही पूरा नॉक फिनिश हो जाते हो? तो अब से ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आज आप लोगों को बताऊंगा बेस्ट स्कोप सेटिंग और पिक स्कोप सेटिंग, ठीक है? तो दोनों इतना बेस्ट वाला सेटिंग बताऊंगा फोर फिंगर वालों के लिए ओपी हो जाने वाला। बाकी यहाँ पर एक ऐसा छोटा सेटिंग भी बताऊंगा जो आप लोग उसे डिसेबल इनेबल अगर आप लोगों को बताऊंगा क्या रखना है, अगर वो सही से रख लोगे ना तो आप लोग को एंड जोन में किल भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला। अभी देखो आपका स्कोप कुछ इतना ज्यादा डिले ओपन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, और जब मैं सेटिंग बताऊंगा कुछ ऐसा ओपन होने लगेगा। तो या गाइज, ऐसे परफेक्ट सेटिंग के लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक तो वॉच करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगेन गाइज, मैं थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं सेटअप वगैरह बना भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि उतना अभी मेरे पास, मतलब आप समझ ही रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो चलो यहाँ पर ये सब डिमोटिवेट वाली बातें बाद में करते हैं, अभी हम लोग काम की बात करते हैं। तो सेटिंग में आते हैं, यहाँ पर सिंपल से अभी आप लोगों को दिखाता हूँ जो रॉन्ग सेटिंग होता है फोर फिंगर वालों के लिए। सबसे ज़्यादा रॉन्ग सेटिंग ये होता है कि आप लोग स्कोप सेटिंग का स्कोप मोड को टैप में रख लेते हो, और यहाँ पर आप लोग पिक मोड को जो होता है हम लोग का पिक सेटिंग, ये भी आप लोग टैप में रख देते हो। अब इससे भी बड़ा दिक्कत, अभी न्यू जो भी बंदा ऐड हो रहे हैं ना गेम पे, वो बंदा को सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये हो रहा है कि वो स्कोप ऑन पे ये फायर सेटिंग जो डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन है, ये स्कोप ऑन पे रख ले रहे हैं। तो ये हम लोग नया प्लेयर को तो पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होगा। तो यहां पर हम लोग का फायर बटन एक गायब हो जाता है, ठीक है? तो ये फायर बटन को लाने के लिए गाइस आप लोग को स्कोप को ऑन करना पड़ेगा, स्कोप मोड को, तभी आता है। तो ये चीज बहुत सारे बंदे का प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। आप लोग यहां पर ऑलवेज ऑन पे कर लेना, आप लोगों का फायर बटन शो हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज हो गया। अभी चलो हम लोग स्कोप सेटिंग का बात कर लेते हैं। अब देखो फोर फिंगर वालों के लिए बेस्ट स्कोप सेटिंग तो यही होता है कि आप लोग यहां पर होल्ड पे रखना या फिर मिक्स्ड पे रखना स्कोप सेटिंग स्कोप मोड को, ठीक है? तो चलो यहां पर बताता हूं। और यहां पर कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस और यहां पर कैमरा रोटेशन वाइल लिनिंग, ये दोनों को बताऊंगा आप लोग को ऑन रखना चाहिए किस लोगों को और किन लोगों को ऑफ रखना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस देख लो, यहाँ पर हम लोग स्कोप मोड को कर लेते हैं यहाँ पर होल्ड पे। अभी होल्ड पे क्या होता है ना गाइस, हम लोग का ये स्कोप तुरंत बंद होता है, जैसे क्लिक करेंगे ऑन होगा, जैसे छोड़ देंगे ये बंद हो जाएगा। इससे क्या होता है, हम लोग कवर फाइट में बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि आप कोई भी वाल के पीछे रहते हो ना, तो इससे हम लोग एक बेनिफिट ये होता है कि हम लोग फायर करके तुरंत हम लोग इधर जा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग टैप में कर देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि देखो जब हम लोग टैप पे करते हैं बाहर आते हैं फायर करते हैं, फिर जब कवर में जाते हैं स्कोप ऑन में ही जाता है, तो हम लोग करेक्टर यहाँ पर स्लो हो जाता है, कवर लेट में आता है और हम लोग बुरी तरह नॉक फिनिश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग होल्ड पे रख लेंगे या फिर मिक्स्ड पे। अब मिक्स्ड पे करेंगे तो क्या हम लोग का बेनिफिट होगा, देखो टैप भी हो जाता है, ठीक है? और इसे प्रेस करके रखेगा तो ये होल्ड पे भी रह जाता है, और हम लोग छोड़ देंगे तो हट भी जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर प्रेफर यही करूँगा कि मैं होल्ड पे रख देता हूँ, क्योंकि मैं होल्ड पे ही रखता हूँ, फोर फिंगर प्लेयर हूँ, आप लोगों को पता ही है। अब चलो गाइस यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस, ये चीज़ आप लोग को डिसेबल कर देना फोर फिंगर वाले हो तो। क्यों? देखो गाइस यहाँ पर आप लोग इनेबल रखोगे ना, देखो मेरा इनेबल है, तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग स्कोप मोड पे क्लिक करोगे, ये स्कोप बटन पे, तो आप लोग का फिंगर देखो लेफ्ट राइट होते रहेगा। ये देखो मेरा अगर फिंगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा ना तो ये मूव हो रहा है। जैसे मैं फायर करूंगा और मान लो मेरा फिंगर थोड़ा सा मूव हो गया स्कोप वाला, तो ये इधर उधर घूमता रहेगा, तो इससे एक्यूरेट एनिमी का हेड पे नहीं लगेगा, इधर उधर भाग जाएगा आपका बुलेट। तो यहाँ पर हम लोग डिसेबल करेंगे, और जैसे ही हम लोग स्कोप को ओपन करेंगे, अब देखो सिर्फ जायरो से ऐसे होगा, फिंगर से देखो मेरा यहाँ नहीं हो रहा, ठीक है? जायरो से देखो इधर उधर हो रहा है, लेकिन गाइज अब मैं स्कोप को जब फिंगर से कर रहा हूँ तो ये नहीं हिल रहा, ठीक है? तो ये बेनिफिट हम लोग का हो गया एक, आप लोगों को पता चल गया। अभी चलो यहाँ पर हम लोग पिक बटन पे आते हैं, पिक सेटिंग्स। तो देखो यहाँ पर फोर फिंगर वाले के लिए पिक सेटिंग्स सबसे बेनिफिट यही होता है कि आप लोग को होल्ड पे रख लेना, जैसे कि मैंने बताया। तो होल्ड पे रखने से क्या होगा, आपका स्कोप तुरंत से बंद हो सकता है और आप लोग कवर में भी जा सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर हो आप लोग, और यहाँ से तुरंत फायर करोगे और तुरंत कवर पर आप लोग जा सकते हो, ठीक है? ये तुरंत आप लोग ऐसे फायर करके तुरंत कवर पे जा सकते हो। अब देखो यहाँ पर हम लोग अगर टैप में कर देते हैं ना तो दिक्कत हो जाता है, क्या देखो ये कर दिया। अभी हम लोग जैसे कवर पे निकलेंगे, यहाँ पर फायर करेंगे, अब हम लोग कवर पे ऐसे जाएंगे तो ये थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, फिर हम लोग को सारा इधर उधर करके ठीक करना पड़ता है, इसको बंद करो फिर स्कोप को बंद करो, तो ये लेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, या तो मिक्स पे रख लेना है या फिर आप लोग को होल्ड पे रख लेना, टैप में नहीं रखना, ठीक है? तो यहाँ पर मैं होल्ड पे ही रहने देता हूँ, यही बेटर है मेरे लिए। और अभी देखो गाइज नीचे हम लोग एक और ऑप्शन मिलता है, कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग। अभी ये वाला जो ऑप्शन है गाइज, ये अगर आप लोग का इनेबल रहता तो देखो ये पिक वाला का काम करता है। देखो जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पर फायर कर रहे हैं, ठीक है? ये देखो फायर कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर ग्यारह यहाँ तक में हम लोग का लॉक हो जाता है, ठीक है? अभी हम लोग का हैंड यहाँ पर लॉक हो गया, लेकिन अब हम लोग थंब से भी लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये देखो ये चीज़ कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, नन जायरो प्लेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, अगर वो जायरो बहुत ही कम यूज़ करता है लो जायरो वालों के लिए। देखो जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ से यहाँ तक तो जायरो में कर लिए, अब हम लोग के हैंड यहाँ पे हो जाता है लॉक, अब यहाँ से हम लोग थंब से भी यहाँ तक ले जा सकते घिस के, ठीक है? तो ये चीज़ होता है इनेबल में, कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग जो हम लोग आता है। अभी हम लोग अगर फुल जायरो खेल रहे हैं तो हम लोग अगर इसे डिसेबल भी कर देंगे तो हम लोग के यहाँ पर देखो स्कोप ना यहाँ से लेके यहाँ तक गाइस ओनली जायरो पे ही यहाँ तक आ सकता है, ठीक है? बिना विदाउट हम लोग हैंड को घिस के भी, ठीक है? मतलब अपना फिंगर जो होता है ना वो घिसना भी नहीं पड़ेगा, अगर फुल जायरो खेलते हो तो डायरेक्ट हम लोग का यहाँ तक आ जाएगा।
ठीक है, ये देखो ये चीज़ जायरो का। लेकिन अगर आप लोग नन जायरो प्लेयर हो, मतलब थोड़ा सा जायरो खेल रहे हो, थोड़ा सा नन जायरो खेल रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग इनेबल रख लेना, ताकि गाइस आप लोग का जो जायरो होता है वो बहुत ही कम काम होगा, यहाँ तक में आप लोग का हैंड लॉक हो जाएगा, फिर आपको थंब से यहाँ से घिस के ले जाना होगा। अब ये बहुत कार स्प्रे वगैरह में काम आता है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ डिसेबल, क्योंकि मैं फुल जायरो खेलता हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होता। तो ये सब चीज़ हो गया। अभी चलो आपको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ जिससे आप लोगों को किल बहुत ही कम मिलता है गेम में। अब बॉट वाले जो बंदे रहते हैं ना, उसे भी ज़्यादा किल मिल जाता है। अब क्यों? क्योंकि गाइस वो पेटी इतना जल्दी लूटता है कि आप लोगों को स्कोप वगैरह मिलता नहीं, दूर का किल मिलता नहीं है। तो देखो यहाँ पर आप लोग एक छोटा सेटिंग में बता देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग का हेल्पफुल होगा। देखो पिक सेटिंग में आना, पिकअप जो यहाँ पर शो हो रहा है, देखो यहाँ पर सेंसिटिविटी का नीचे पिकअप, यहाँ पर जो ऑटो पिकअप जो शुरू का ऑप्शन हो रहा है ना, ऑटो पिकअप, इसे बस आपको डिसेबल कर देना। अब डिसेबल करोगे तो बेनिफिट ये होगा कि जैसे भी कोई आपका बॉट या कोई भी बंदा आप लोग आते हो ना, तुरंत पेटी लूटता है, तो वो लोग क्या करता है ना, जो नूब बंदा रहता है तुरंत तुरंत ऐसे ऐसे क्लिक करेगा, आपको गाइस स्कोप वगैरह कुछ मिलेगा ही नहीं, और फिर आप लोग दूर का बंदे को मार ही नहीं पाओगे जिंदगी भर। मतलब हमेशा उससे स्कोप मांगते रहोगे, दे दो भाई दे दो भाई, वो देगा ही नहीं भले वो किल करे ना करे, और इसके चक्कर में आपका किल भी नहीं निकलता। तो आप लोग सिंपल से गाइस जो मैंने सेटिंग बताया वो कर लेना। देखो यहाँ पर जाने के बाद पिकअप में जाना, और यहाँ पर ऑटो पिक जो इनेबल है आपका, उसे डिसेबल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला, आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। बस गाइस यही था आज के वाले वीडियो पे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना, और वीडियो को एक लाइक कमेंट जरूर करना। मिलेंगे गाइस बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।